बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आज बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ आई हूं और ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है और ये उन लोगों के लिए है जिनको अपनी हाइजीन का बहुत ख्याल होता है, वो प्रेजेंटेबल नज़र आना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम अच्छे नज़र आएँ और हम साफ़ भी नज़र आएँ, तो उनके लिए ये चीज़ें बेस्ट हैं। और आजकल आपको पता है जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो गार्नियर का ये प्रोडक्ट जो कि शैम्पू है ये बहुत अच्छा है, कोकोनट का बना हुआ है और इसमें कोकोनट ऑयल है और ये कोको बटर भी है इसमें, और ये फ्रिजी और ड्राई हेयर्स के लिए है। आपको पता है गार्नियर की हर चीज़ अच्छी है और ये मुझे बहुत ही सूट करता है ड्राई और फ्रिजी बालों के लिए, जैसे कि आप लोगों के आजकल सर्दियों के इस सीज़न में हो जाते हैं, आगे सर्दियां आ रही हैं, तो बिल्कुल भी ये वैसा शैम्पू नहीं है कि आपके बाल रूखे सूखे और मज़ीद उनको ड्राई कर देगा। ये वो शैम्पू है जिससे आपके बालों को सॉफ्ट करेगा और इसमें हर चीज़ वो है जो आपके बालों को मुलायम और स्मूथ करेगा, ठीक है ना। उसके बाद है जी स्क्रब। स्क्रब आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कंपनीज़ के आए हुए हैं, लेकिन मैं तो ये चूज़ करती हूँ कि ये अच्छा है और ये आपको लगाना चाहिए और ये आपको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये सॉफ्ट है, स्किन के लिए है, ये एवोकाडो का बना हुआ है एंड हनी। हनी और एवोकाडो बहुत अच्छी है हमारी स्किन के लिए और इसके प्राइस देख लें 495 आई थिंक सो 500 का है ये, नॉट बहुत महंगा एक्सपेंसिव नहीं है ये, एक्स्ट्रा ये नॉर्मल सा प्राइस है इसका और इसके जो इफेक्टिव भी बहुत ज़्यादा, स्पेशली ये ड्राई स्किन के लिए बहुत अमेजिंग है। आपको पता है वो एवोकाडो और हनी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं और इन दोनों का ये मिक्सचर है इसमें, तो ये हम भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है और इसको हमें लगाना चाहिए, ठीक है ना। आफ्टर क्लिनजिंग इसको हम घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे नोज़ पे ब्लैक हेड्स होते हैं ये उनको भी रिमूव करता है, हमारी चिन पे होते हैं अक्सर लोगों के, ये चीक्स पे होते हैं और फोरहेड पे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा पॉन्ड्स की ये फेस वॉश भी बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग है, बहुत सस्ता, बहुत रीज़नेबल, 400 का है ये और ये ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है। ये स्किन में से पैसे डर्ट जो होती है हमारी और टैनिंग हुई होती है सारे दिन की, ये उसको रिमूव करता है और हमें हमारी स्किन को बहुत साफ करता है। सबसे बड़ी बात कि इसमें हमारी हाइजीन भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। और आपके बच्चे जैसे कि कई दफ़ा कहते हैं कि हमने साबुन नहीं इस्तेमाल करना है, हमें देर हो रही है, तो आप जल्दी से बच्चों के भी फेस पे ये लगा के तो उसको उनको भी ये धो सकते हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स और वो इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। पॉन्ड्स क्योंकि बहुत बड़ी पुरानी कंपनी है तो उसकी चीज़ें अच्छी और काबिल एतमाद हैं, और पॉन्ड्स का ये टोनर भी बहुत अच्छा है, ये वाइट ब्यूटी है और इसमें भी अच्छी केमिकल्स डले हुए हैं। ये हमारी सबसे बेहतर चीज़, मैं हर वो चीज़ आपको दिखाती हूँ या बताती हूँ जो कि रीज़नेबल हो, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए, अपनी जेब भी देखनी चाहिए, बजट फ्रेंडली होनी चाहिए चीज़ें कॉस्मेटिक्स, और क्योंकि ये हमें रोज़ाना ही इस्तेमाल करनी पड़ती है और डेली बेसिस पे हम इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें वो लेनी चाहिए जो कभी कभार इस्तेमाल की हो, की जाने वाली हो। मैं ये भी नहीं कह रही कि बहुत बुरी लेनी चाहिए, अच्छे शॉप से लेनी चाहिए, अच्छे ब्रांड की होनी चाहिए, हमें उनमें पता होना चाहिए कि उसमें क्या कुछ डला हुआ है। जैसे ये लॉरियल का जो कंडीशनर है बेस्ट कंडीशनर है और ये वाकई टोटल रिपेयरिंग करता है आपकी 5 चीज़ों के, तो बिल्कुल ठीक कर देता है जो आपके रूट्स बिल्कुल जल चुके हैं, ख़राब हैं, स्प्लिट हैंड्स हो चुके हैं, उनके लिए ये बेस्ट है, ठीक है। और एंड पे है तो ये छोटी सी बॉटल, लेकिन आप देखें कि ये लॉरियल का कास्टिंग क्लेमर ग्लास है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ये जेल फॉर्म में है और हम इसके लिए ये स्किन के लिए है, स्किन आफ्टर हम धो के सिंपल जब तैयार होने के लिए कहीं निकलते हैं तो आफ्टर धोने के बाद और फेस वॉश करने के बाद हमें अपने पर्स में रखनी चाहिए और इसको इस्तेमाल करनी चाहिए। ये आउटस्टैंडिंग चीज़ है और अमेजिंग इसका रिजल्ट है, ठीक है ना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी और आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और कमेंट भी करें और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।